जय श्री राधे जी, कैसे हो लाला लाली। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास इंडिकेशंस के बारे में, जो अगर आपके उंगलियों से आपके हाथों में प्रतीत होते हैं तो ये आपके शुभ भाग्य फल को दर्शाने का कार्य करते हैं। कैसे हो जरूर बताना, इंतजार रहेगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके इंडेक्स फिंगर की, यानी कि तर्जनी उंगली की। जब भी किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली उनके रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली से छोटी होती चली जाती है, चाहे 2 सूत या 3 सूत भी छोटी की स्थिति हो, तो ये आपके जीवन के कुछ खास संजोगों को दर्शाने का कार्य करती है। लेकिन इसका शुभ फल, क्योंकि जैसे ही छोटी होगी कुछ शुभ फलों का विकास आपके अंदर होगा, आप कुछ खास लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का कार्य करेंगे। आपके जीवन में कुछ खास बदलाव की स्थिति आएगी, जिसमें खासकर धन की स्थिति होगी। व्यक्ति धन की तरफ आकृष्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह करने की स्थिति की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होनी चाहिए, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपके रिंग फिंगर के मुकाबले अगर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो नीचे है। ये और जितनी ज़्यादा नीचे हो उतने ज़्यादा सुफलों को बढ़ाने का कार्य करती है। अब यहीं पर हम ले आते हैं अंदर के क्षेत्र की तरफ। जब अंदर के क्षेत्र की तरफ हम अगर देख पा रहे हैं, तो जब भी ये उंगली आपकी छोटी होगी यानी कि इंडेक्स, तो ये क्षेत्र यानी कि आपके गुरु का क्षेत्र जितना ज़्यादा बेहतर, जितना ज़्यादा प्रभावशाली, वैभवशाली और उभरा हुआ हो, उतना ज़्यादा आपके विकास की गति को बढ़ाने का कार्य करेगा। इस पर अगर कुछ शुभ चिन्ह अंकित हैं, जैसे ट्राइडेंट की है, ट्राइंगल की है, स्क्वायर की है, इसके अलावा कुछ प्राचीन चिन्हों की स्थिति है, इसके अलावा त्रिशंकु की स्थिति है यानी कि सती रेखाओं की स्थिति है, और ये जितना फ्रेश, जितना एक्टिव और जितना स्वस्थ यानी कि हेल्दी होगा, ये आपके इसके प्रभाव को उतना ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करेगा और जीवन में उसी प्रकार से आप बेहतर गति को और सुख को प्राप्त होते चले जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर उंगली छोटी हो, जो कि एक अच्छे इंडिकेशंस है, लेकिन नीचे एक पर्वत क्षेत्र काफ़ी मुश्किलों से घिरा हुआ हो, तो आपके पास चीज़ें आएंगी, आपके पास द्रव्य आएगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास संपत्ति आएगी, लेकिन बड़े संघर्षों से आएगी और उसे बचा के टिका के रख पाना आपके लिए हमेशा मुश्किल होता चला जाएगा। आपका कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन एक असुरक्षा की भावना हमेशा आपके साथ विद्यमान रहेंगे। इसके अलावा जब फिर से हम दूसरे बाहर के क्षेत्र में जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपकी अनामिका उंगली छोटी है आपके तर्जनी उंगली से, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। सबसे पहले एक स्थिति आती है जिसमें दोनों समान होती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके। जब ये चीज़ें समान भाव में रहेगी, ये उसके बाद निर्भर करेगा आपके भीतरी हाथ की हथेलियों पर कि अंदर की स्थिति कैसी है। अगर अंदर की स्थिति काफ़ी बेहतरीन है, गुरु का पर्वत क्षेत्र अच्छा है, शनि का पर्वत क्षेत्र अच्छा है, सूर्य का पर्वत क्षेत्र अच्छा है, तो इसके अनुरूप आपको बेहतरीन फल देने का कार्य करेगा। लेकिन जब भी ये समान होना, तो आप अपने शुक्र के इस क्षेत्र को जरूर देखना, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपके जीवन को कितना लग्जरी बनाने वाला है, मंगल किस तरीके से आपके मानसिक स्थिति को रखने वाला है, इसे समझना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब भी दोनों की बराबर स्थिति होगी, व्यक्ति के जीवन में कुछ खास दोष की उपस्थिति भी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके भाग्य रेखा की स्थिति को का यहाँ पर अवलोकन करना भी आपके लिए उतना ही आवश्यक हो जाता है कि ये कहीं खंडित तो नहीं है। खासकर जब दोनों समान हो, तो एक चीज़ पर गौर करना कि मस्तिष्क रेखा से पहले भाग्य रेखा रुक तो नहीं गई है। अगर ऐसा हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन को जिस परिस्थिति में आप हैं, अगर आप आफ्टर 25 से ऊपर हैं, तो जिस परिस्थिति में आप हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा बुध की रेखा भी आपकी हथेली में निश्चित तौर पे होगी, न होने की संभावना ये नहीं है, लेकिन बहुत छोटी और बहुत महीन और थोड़ी सी कमजोर की तरह दिख रही होगी। अगर ऐसी भी दिख रही है, फिर भी आपको व्यवसाय की तरफ आप अगर जाते हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में आती चली जाती हैं। आपका बुध का क्षेत्र अच्छा रहता है, आप एक बेहतर सलाहकार के रूप में अपना योगदान दे पाते हैं, लेकिन अगर खुद के लिए कुछ कहें तो आप सोचते ही रह जाते हैं, चीज़ों को मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सक्यूज बहुत ज्यादा होते हैं कि इन कारणों से हम विकास नहीं कर पाए, इन कारणों से हम विकास नहीं कर पाए, जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आती चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि जब आपकी अनामिका छोटी हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपका एक क्षेत्र ऐसे हो और एक क्षेत्र नीचे की तरफ हो, आपके जीवन में मूल्य होंगे, आपके जीवन में संस्कार होंगे, आपके जीवन में कई दफ़े ऐसी कलुषित भावना होगी जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। कई दफ़े आप बहुत पुण्यात्मा होंगे, कई दफ़े आप काफ़ी पाप में लिप्त होंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ आपके जीवन को झकझोड़ने का प्रयास करेगी। जीवन भर आर्थिक तौर पर संघर्ष की एक स्थिति बनी रहेगी, लोगों से बनना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत कुछ
खास गिनती के लोग होंगे जिनके साथ आपकी अच्छी खासी बनती होगी। अमूमन लोगों के साथ आपकी परिस्थितियाँ बेमेल ही प्रतीत होती होंगी और उसका सामना आप अपने जीवन में करते होंगे। जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, ऐसे लोगों का गोल बहुत हाई होगा, लक्ष्य बड़े ऊँचे होंगे, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जो मेहनत होनी चाहिए, मेहनत में कहीं ना कहीं पीछे रह जाने वाले व्यक्ति होते हैं। कई दफ़े जीवन में ऐसे संघर्ष की स्थिति भी आ जाती है, उस कारण भी कई दफ़े आप आलस्य की भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं। कई दफ़े विपरीत लिंग के प्रति जो आपका आकर्षण है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि चीज़ों पर आप नियंत्रण नहीं कर पाते। लेकिन ये क्षेत्र छोटा है और मान लो कि आपका नीचे सूर्य के इस पर्वत क्षेत्र पर बहुत ही बेहतरीन रेखाओं की परिस्थिति है, जो कि नीचे की तरफ जा रही है और दोषहीन है, यानी कि कहीं भी किसी प्रकार की दोष की स्थिति नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप बेहतर पद को प्राप्त करेंगे, जो चाह रहे होंगे उससे निचला पद आपको निश्चित तौर पर जीवन में प्राप्त हो जाएगा। घमंड भरपूर रहेगा, दूसरों की अपमान करने की प्रवृत्ति जातक के अंदर इसमें बढ़ती चली जाती है। जातक ज़्यादातर अपने जीवन में एकाकी जीवन जीने की स्थिति में रहता है, यानी कि अकेलापन उसके जीवन का सबसे बड़ा साथी होता है। अपने चीज़ों पर कंट्रोल करना इनके लिए कई दफ़े मुश्किल हो जाता है। मन स्थिति इनकी हमेशा बदलती होती है, नज़रिया इनका बिल्कुल धारा के विपरीत की स्थिति में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए ऐसी परिस्थिति हो और गुरु का यह पर्वत क्षेत्र बहुत प्रखर हो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति में आपके लिए काम कर रहा हो, तो क्या होगा कि लोगों का सहयोग आपको मिल जाएगा। ऐसा पद पकड़ लोगे, ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाओगे जहाँ बहुत सारे लोगों को आपसे काम पड़ेगा और वहाँ पर आप बहुत ही नकारात्मक रूप से लोगों के समक्ष पेश आएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति अपनी बहुत ही सुदृढ़ बना लेंगे, अपना अपमान कभी नहीं भूलेंगे और दुश्मनी निकालना कोई आपसे सीखे, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। बशर्ते उसके लिए शुक्र का एक ग्रह और मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतरीन होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी दोष आ जाता है तो आप खुद के कारण अपने जीवन को अंधकार की तरफ ले जाएंगे और खुद को मुश्किल की स्थिति की तरफ बढ़ा के ही छोड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों को ये जन्म देने का कार्य करता है। इसके अलावा एक अन्य परिस्थिति है जिसमें आपकी कनिष्का उंगली का झुकाव भी महत्वपूर्ण रूप से आपके बारे में बहुत कुछ बता पाता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, मध्यमा का झुकाव किस तरफ है। देखो, जब भी आपकी तर्जनी उंगली का झुकाव मध्यमा की तरफ होता चला जाएगा, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी, यानी कि भावुकता भी थोड़ी बहुत रहेगी, अपनों के प्रति प्रेम भी रहेगा, एक समर्पण भी रहेगी, यानी कि पंचफोरन की टाइप जीवन में सब कुछ की परिस्थिति आपके साथ लगी रहती है और एक चिंता लगी रहती है। लेकिन अगर ये यहाँ पर बिल्कुल सीधी हो और इसका झुकाव आपके इसकी तरफ हो, यानी कि गुरु के ऊपर इसका भार बन रहा हो, तो आप चलते फिरते करते धरते आपका मन कहीं ना कहीं भटकता रहेगा, कुछ ना कुछ गलतियाँ आपसे होती रहेंगी, कुछ ना कुछ गलत आपसे लोग करवाते रहेंगे, ऐसी परिस्थिति को जन्म देता है। वहीं पर आपके अगर हम बात करें अनामिका की, तो आपके रिंग फिंगर अगर इसकी तरफ यहाँ पर झुकती चली जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के संघर्षों को, स्ट्रगल को बढ़ा देने का काम करती है। अब हम बात कर रहे हैं आपके बेबी फिंगर की। अब बेबी फिंगर का क्या है, इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ है तब तो नॉर्मल लाइफ है, सीधी खड़ी है तो मेंटोस लाइफ है, मतलब इसी तरीके की सिचुएशन हो जाती है। फिर आप फ्री माइंड हो जाते हो, आप चीज़ों को अपने तरीके से देखना पसंद करते हो, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी मन की राधे राधे, तो ऐसी परिस्थिति आपके अंदर पैदा करने का कार्य करता है। अब अगर इसके नीचे के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ खास चीज़ों को गौर करना पड़ेगा कि आपका बुध का यह क्षेत्र कैसा है। बुध का यह क्षेत्र अगर सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, हेल्दी होगा, तो आपको सही रास्ते का चयन करवाएगा। अगर यहाँ पर मुश्किल परिस्थिति में होगा तो आपसे इतने गलत फैसले करवाएगा कि आपको अफसोस करने का भी मौका उस पर नहीं मिलेगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सिंगल मैंने बताया है। जब पूर्ण हस्तरेखा का आप अपने विश्लेषण में जाते हैं तो और भी चीज़ें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर आ जाती हैं कि आखिर आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। तो मिलते हैं फिर, ज़रूर बताना कैसे हो। जय श्री राधे।